हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू क्रिप्टो सिटी। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, इस टाइम पे बिटकॉइन के अंदर पूरे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक क्राइसिस आया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, जो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था वो 69,000 डॉलर था, और प्रेजेंट टाइम पर जो बिटकॉइन सस्टेन कर रहा है इस टाइम पर वो 16,500 डॉलर पर सस्टेन कर रहा है। तो इस टाइम पर ऐसी मार्केट के अंदर काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है निकल के कि कुछ गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको रेगुलेट करने के प्लान में हैं, इसके लिए बिल लेके आ सकती हैं संसद के अंदर, और कुछ गवर्नमेंट ऐसी भी हैं जो इसको बैन करने का प्लान कर रही हैं। पर आप सब, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसको बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इसको बंद करेंगे तो लाइक हम मान के चल सकते हैं कि एक इंटरनेट को बैन करने जैसी हम स्थिति पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी का कहीं से कहीं तक कोई मुकाबला नहीं हो रहा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत सिक्योर और बहुत सेफ है टेक्नोलॉजी मानी जाती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हम आपको डीपली से एक अलग से वीडियो बना के आपको बताएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं बिटकॉइन का इन फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है, और किन क्रिप्टो करेंसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को इन फ्यूचर मिल सकता है। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस टाइम पर बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी लो पर चल रहा है। जैसे कि हम आप देख पा रहे होंगे 60 से 70% अभी डाउन चल रहा है। तो इस टाइम पर बिटकॉइन उस प्राइस पर चल रहा है जिस पर यदि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब वो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, लाइक अगला जो उसका ऑल टाइम हाई होगा, सभी लोग मान के चल रहे हैं कि वो $1,00,000 हो सकता है। तो अगर वो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट उसके अंदर देखने को मिल सकता है। अब बात ये सामने आती है कि हम किन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमको आगे चल के अच्छा हमारा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आज हम ऐसी ही दो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपको बताना चाहते हैं जिनका यूज केस काफ़ी अच्छा है और जो आगे चल के इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब तक उसका यूज़ केस नहीं है उसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका यूज़ केस है उसका प्राइस बहुत अच्छा पंप करता है, बहुत अच्छा फ्यूचर में रिटर्न देता है। तो सबसे पहली जो क्रिप्टो है वो है CBC। CBC के बारे में आप सब जानते होंगे। CBC मोस्टली अच्छे बड़े बड़े एक्सचेंज, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज उन पर लिस्टेड है, चाहे वो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हो या फिर वो किसी कोई विदेशी एक्सचेंज हो। जैसे बाइनेंस की अगर हम बात करें, कुकॉइन एक्सचेंज की बात करें, होवी ग्लोबल की अगर बात करें, मैक्सी ग्लोबल की बात करें, इसके अलावा यदि हम अगर कोई एक्सचेंज है इंडियन एक्सचेंज की अगर बात करें तो मैक्सी, अगर कॉइन DCX की बात करें या फिर हम जेप पे की बात करें या फिर हम कॉइन स्क्वेयर की बात करें, भाई ये सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर वो लिस्ट है। तो CBC का एक जो यूज केस निकल के जो आता है सामने, वो ये निकल के आता है कि CBC जो है एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन के अंदर काम करेगा, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा इन फ्यूचर आप उसका यूज केस देखने को मिल सकता है। और दूसरी जो क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें, दूसरी क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी अगर हम बात करें, दूसरी क्रिप्टो करेंसी है FetchAI। FetchAI के बारे में आप जानते हैं, जैसे आपको नाम से ही मालूम चल रहा है FetchAI इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप जानते हैं जब इन फ्यूचर जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आप जानते हैं जब इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी उपयोग हो जाएगा। जैसा कि आप अभी इस टाइम पे फोन को यूज करते हैं तो आपके फेस लॉक से ही फोन खुल जाता है, तो इसका मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसी प्रकार से जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत अच्छे लेवल पर काम करने लगेगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी यूज बढ़ जाएगा। तो उस केस में जो है जो FetchAI है उसका प्राइस आपको अच्छा देखने को मिल सकता है, और जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा तो तब भी इन दो क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आइए हम इन दोनों क्रिप्टो करेंसी के चार्ट पर आपको ले चलते हैं और दोनों के चार्ट को बताते हैं इनका ऑल टाइम हाई क्या रहा है और इन फ्यूचर इनका प्राइस क्या हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, CBC का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जो चार्ट मैंने ओपन किया है वो वन मंथ की कैंडल का चार्ट ओपन किया है। इसमें यदि हम इसको जूम करके अगर देखें तो आप इसमें देख सकते हैं तो चार्ट पैटर्न का जो पैटर्न दिखा रहा है इस टाइम पर, इसके अंदर जो वन मंथ की जो लास्ट कैंडल बनी है वो ग्रीन दिखा रहा है। तो यहाँ से इसको ये बिल्कुल अपने सपोर्ट पर आके खड़ा हो गया है कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। जैसे ही बिटकॉइन के अंदर मूवमेंट आएगा, इसके अंदर मूवमेंट आना चालू हो जाएगा, तो इसका जो प्रीवियस लास्ट जो ऑल टाइम हाई रहा है वो 0.31 डॉलर रहा है। आगे चल करके आपको यदि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर जाता है, उसको क्रॉस करता है, तो इसका प्राइस जो है हमें $1 देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पर इसका जो करंट प्राइस चल रहा है इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 6.47 रुपये चल रहा है, जो कि अभी आज की अगर बात करें तो आज के दिन ये 9.52% अपने जो है अब चल रहा है, जो उसका जो प्राइस चल रहा था उससे अब चल रहा है। तो आगे चल के जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा तो ये $1 इजीली टच कर सकता है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। यदि हम बात करें FetchAI की, तो आप देख सकते हैं FetchAI का जो नाम है यहाँ पे FET लिख के आता है। USDT में यदि हम इसके प्राइस को अगर देखते हैं तो हमने यहाँ पे वन मंथ का जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो ओपन किया हुआ है। तो वन मंथ की कैंडल में यदि आप देखते हैं इसे,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपने जो है लगभग लगभग सपोर्ट पर खड़ा हुआ है, जो उसका भी करंट प्राइस जो चल रहा है 0.0904 चल रहा है आज के टाइम पर। ये प्रेजेंट आज के दिन ये -2.06% डाउन चल रहा है। अगर इसके ऑल टाइम हाई की अगर बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई $1.1985 रहा है। तो ये अपने जो इसका जो प्रीवियस प्राइस था वो $1 के प्लस गया है। तो आगे चल के अगर हम जो अभी इस करंट जो प्राइस चल रहा है इसका वो 7.47 रुपीज़ चल रहा है, इंडियन रुपीज़ में। अगर इसको हम इन फ्यूचर इसका प्राइस की अगर बात करें, इसकी प्रोडिक्शन क्या हो सकती है उसकी अगर बात करें, तो इसमें ये जो प्रीवियस प्राइस को देखें तो इससे ये लगता है कि आगे चल के ये $1 तो गया ही है, इसके अलावा ये $2 तक जा सकता है। तो इसमें अभी आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, इसे न जाने दें, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर करें और अंत में आपका खुद का स्टडी भी जरूर करें। देखा हमने दोनों के चार्ट आपको दिखाए, दोनों के चार्ट में आपने देखा कि वो किस तरीके से आगे चल के इन फ्यूचर में अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक बहुत ही हाई रिस्क मार्केट है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। हम किसी को भी ये सलाह नहीं देते हैं कि वो बिना स्टडी करे इन्वेस्टमेंट करे, हमारे कहने से आप इन्वेस्टमेंट कर दें, ये आपका स्वयं का रिस्क होगा। आप यदि अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो सबसे पहले उस क्रिप्टो करेंसी का यूज केस और उसकी जो सप्लाई है या उसका जो इन फ्यूचर जो भी उसका आगे चल के प्राइस हो सकता है उसको देखते हुए, उसके चार्ट पैटर्न को देखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट करें। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।